सर दोस्तों, ये कोबरा जो मैंने रेस्क्यू किया था, ये किया था अर्जुनगंज गोमती नगर के पास से। तो इसे अभी रिलीज़ करने के लिए आए थे। दोस्तों, इस पिटिकल कोबरा के बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है, क्योंकि जहाँ से ये रेस्क्यू किया था वहाँ पर जानकारी नहीं दे पाया था, तो थोड़ी सी जानकारी आपको दे देते हैं पिटिकल कोबरा के बारे में। दोस्तों, ये सांप अपने भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला सांप है और लगभग पूरे भारतवर्ष में हर जगह मिलता है। क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा होते हैं, इसी वजह से पूरे भारतवर्ष में ये सांप दिखते हैं। और जो अपने 5 किस्म के जो जहरीले सांप हैं, जो कि डेडलीस्ट स्नेक हैं, सबसे ज़्यादा जो जान लेते हैं, उनमें से ये एक है। 4 जो सांप हैं, जैसे कॉमन क्रेथ हुआ, कॉमन क्रेथ के अलावा रसल्स वाइपर है, सॉ स्केलेट है और स्पिटिकल कोबरा। ठीक है, कोबरा की कई प्रजातियां हैं दोस्तों, लेकिन जो कॉमन कोबरा की अगर बात करें, यानी ये जो सबसे ज़्यादा देखा जाता है, तो यही स्पिटिकल कोबरा सबसे ज़्यादा पूरे भारतवर्ष में पाया जाता है। तो इसका जो जहर होता है वो न्यूरोटॉक्सिक होता है, जो कि हमारे नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है। दूसरी बात यह है कि ये एक ऐसा सांप है जिसका जहर सबसे तेज़ असर करता है। दोस्तों, अगर हम कॉमन क्रैथ की बात करें, अगर हम रसल्स वाइपर की बात करें, तो इनका जहर बॉडी में धीरे धीरे असर करता है इसके मुकाबले में, और इसका जहर बहुत तेज़ी से असर करता है दोस्तों। तो 2 से 4 घंटे के अंदर इंसान की मृत्यु हो सकती है इसे काटने से। दोस्तों, ये सांप ज़्यादातर जो सक्रिय रहते हैं वो सर्दी के दो अगर मौसम छोड़ दें, 2 महीने छोड़ दें, दिसंबर और जनवरी, उसके बाद में ये लगभग पूरा साल एक्टिव रहते हैं। मई और जून में, बल्कि अप्रैल और मई में इनका मिलन रहता है, और उसके बाद में ये अंडे देते हैं, और जो माता जो अंडे देती है वो 25 से 30 तक अंडे देती है, फिर उनसे बच्चे निकलते हैं 2 महीने के बाद में। तो नवंबर के लास्ट तक ये अपने छुपने की जगह ढूंढ लेते हैं, और ख़ास तौर पर जो भी बस्ती के जो किनारे पे घर होते हैं, यानी कि आउट एरिया में जो घर रहते हैं, वहाँ पर ये जा कर के घरों की अरीब करीब में छुपते हैं। अगर आपका फ़र्श कच्चा है तो हो सकता है कि वहाँ पर जो मूस बिल बनाते हैं उसमें जा सकते हैं, या वॉल के पार्टीशन में भी ये जा सकते हैं दोस्तों, रहते हैं। और अगर आपके अरीब करीब में घर के कोई कबाड़ है, लकड़ियाँ हैं, ईंटें हैं, इस तरह की जगह पर छुप जाते हैं, अपनी सर्दियाँ बिताते हैं वहाँ पर। तो दोस्तों, इस तरह का सांप अगर आपको काट ले तो आपको क्या करना है, सिर्फ एक ही काम है, और वो है अपना जो भी आपका जिला डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है गवर्नमेंट का, वहाँ पे आपको जाना है दोस्तों। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगे तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और सांप के साथ में, किसी और जगह। तो इसे हम अभी रिलीज़ करते हैं दोस्तों।